हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। आज के टॉपिक है फिंगरप्रिंट लॉक किस प्रकार से सेट करते हैं बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है मोटो का फोन है। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग्स ऐप ओपन करना है एंड इसके बाद आपको यहाँ दिख जाता है एंड ऊपर की स्क्रॉल करेंगे सेटिंग्स के, तब आपको यहाँ दिखता है सिक्योरिटी का ऑप्शन एंड इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है और जो भी आपने स्क्रीन लॉक लगा रखे हैं उसे रोल करेंगे। रोल करने के बाद आपको सेटअप उस पर क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको देख सकते हैं फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आएगा। आप अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे, बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है तो आप इस प्रकार से लगाएंगे। आप इस तरीके से लगाएंगे, देख सकते हैं बहुत ईजी होता लगाना एंड बार बार टच करते रहेंगे तब तक ये पूरा नहीं हो जाता है। इस तरीके से टच करते जाएंगे और इसके बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है और होम करके और मतलब कि और भी फिंगर का आपको सेट करना है तो आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट में कई बार पूछते हैं कि दूसरे उंगली का भी सेट कर सकते हैं। हाँ बाबा, हाँ आप सेट कर सकते हैं एंड ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से आप दूसरे फिंगर का लगाएंगे इस तरीके से तो आपको दूसरे फिंगर का सेट हो जाता है। बट मैं नहीं करी, अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हटाना चाहें तो इस पर क्लिक करके हटा सकते हैं। डिलीट पे डिलीट का ऑप्शन होता है एंड इस तरीके से आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक सेट करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि सेट हुआ भी है नहीं, चेक भी आप भी करेंगे इस तरीके से एंड काम भी कर भी रहा है या नहीं। फिंगरप्रिंट लॉक ही तो चेक करना ज़रूरी है फ्रेंड्स एंड इस प्रकार से हम फिंगरप्रिंट लॉक चेक करेंगे। देख सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक सेट है। तो इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है फ्रेंड्स लगाना। एंड फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।